एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पर फॉन इफेस तो आज है रिविजन सीरीज़ का डे फाइव वाइब्रेशन के जो है हमने सारे जितने टॉपिक्स है सबको डिस्कस कर लिया उनके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने डिस्कस किया और कैसे और पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस किया तो आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे जो कि है वेव्स ठीक है तो वेव्स इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल दो इट इज़ वेरी बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज इसमें से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं चार पाँच ठीक है तो पेपर में इतने क्वेश्चन आते हैं सो लेट्स डिस्कस एंड सिक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है विलासिटी ऑफ वेव इन एन आइडल कंडक्टर इज ठीक है तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है कि विलासिटी ऑफ वेव क्या होती है आइडल कंडक्टर में फर्स्ट ऑप्शन है जीरो सेकेंड इज वेरी लार्ज थर्ड इज़ मॉडरेट फोर्थ इज स्मॉल वेलोसिटी ऑफ वेव है इन अ कंडक्टर दैट इज़ वेरी लो ठीक है तो जब कंडक्टर uh, में विलासिटी ऑफ वेव बहुत कम होती है बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइडियल कंडक्टर की तो आइडियल कंडक्टर के केस में जो विलासिटी ऑफ वेव होगी दैट विल बी ज़ीरो तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द वेव्स इन अ स्ट्रिंग सो जो वेव्स स्ट्रिंग में होती हैं वेव्स उनके साथ यहाँ पर कौन सी टर्म रिलेट नहीं करती फर्स्ट ऑप्शन है इलास्टिक वेव्स सेकेंड इज मैकेनिकल वेव्स थर्ड इज वन डायमेंशनल वेव फोर्थ इज टू डायमेंशनल वेव सो वेव्स इन अ स्ट्रिंग क्या होती हैं दे आर इलास्टिक वेव्स दे आर मैकेनिकल वेव्स दे आर वन डायमेंशनल वेव ठीक है waves, waves, wave, तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगी दैट विल बी टू डायमेंशनल वेव डी ऑप्शन इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर टू द ई एम तो यहाँ पर जो है करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होगा ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर टू द ई एम वेव फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है जीरो सेकेंड इज वन थर्ड इज इनफिनिटी फोर्थ इज नन ऑफ द अबव सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए जीरो बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है परफेक्ट कंडक्टर की तो जब परफेक्ट कंडक्टर है तो इट उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी सो दैट्स वाइट टू करेक्टिस्टिक एम्पिडेंस एन दैट केस क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है वेन लाइट वेव्स मूव फ्रॉम वाटर इन टू एयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज तो लाइट वेव जब वाटर में से एयर मीडियम में एंटर करती है तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती फर्स्ट है फेज वेलोसिटी, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज वेवलेंथ फोर्थ इज इंटेंसिटी पर जो बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी दैट विल भी द करेक्ट वन बिकॉज जब हम जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलिंथ सिक्सटी एट हंड्रेड आंगस्ट्रॉम इज ठीक है तो फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है रेड लाइट की इसकी वेव लेंथ जो है सिक्सटी एट हंड्रेड आंगस्ट्रॉम है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा सी की वैल्यू है थ्री इंटू टेन रेज पार एट लेमडाज सिक्स एट हंड्रेड आंगस्ट्रॉम जिसको कैलकुलेट करोगे आप तो आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट फोर इंटू टेन रेज पार फोर्टीन हर्ट्स यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है तो देखा आपने कितने सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं और ये टॉपिक जो है आपको इलेवेंथ क्लास के बुक है वहाँ पर जितने एम सी क्यूज है उनको भी कवर करना है बिकॉज वो इतने ये ये जो इतने बेसिक एम सी क्यूज है वो वहीं पर मिलेंगे आपको सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर देंशल प्रॉपर्टीज अ मीडियम मस्ट पोजेज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है स्टेबल प्रेशर सेकेंड इज मैक्सिमम फ्रिक्शन थर्ड इज़ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फोर्थ इज मिनिमम फ्रिक्शन तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन मिनिमम फ्रिक्शन बिकॉज अगर जो है मीडियम है उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो कैसे वेव जो है पास कर पाएगी ठीक है तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन के कारण जो है वेव का पास होना ही पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है मिनिमम फ्रिक्शन ये करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विट ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस तो कौन सी जो वेव है इनमें से जो सॉलिड से भी पास कर जाते हैं लिक्विड से भी एंड गैसेस से भी फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर्स वेव सेकेंड इज ई एम वेव थर्ड इज मैकेनिकल वेव फोर्थ है लॉन्गिट्यूडनल वेव तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है दे कैन पास थ्रू ऑल द थ्री टाइप ऑफ मीडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ गैस अंडर अंड ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन तो जब साउंड जो है गैस में से पास करती है तो कौन सी कंडीशन होती है वहाँ पर फर्स्ट है आइसोथर्मल कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर सेकंड है नॉन आइसोथर्मल कंडीशन थर्ड है एरियाबैटिक कंडीशन कोई हीट जो है एक्सचेंज नहीं पॉसिबल होता फोर्थ है ट्रांसवर्स कंडीशन बिकॉज साउंड जो है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शंस ठीक है ये हमें पता है तो जैसे साउंड वेव मूव करती है कंप्रेशंस के केस में जब हीट जनरेट होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रेयर फैक्शन तक ट्रांसफ़र हो सके बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल सो रैपिडली तो इसलिए जो है एक जगह पर जो हीट जनरेट हुई है वो दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाती तो इस तरीके से जो है हीट एक्सचेंज इज़ नॉट देयर तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है एडियाबेटिक कंडीशन ये सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव्स तो कौन सी वेव्स को प्रेशर वेव भी कहा जाता है फर्स्ट है ट्रांसफर्स वेव सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थर्ड इज मकैनिकल वेव्स फोर्थ है स्टेशनरी वेव्स तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव ये करेक्ट है लॉन्गीव द ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन एंड देर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रेवस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर साउंड जो है कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा फास्ट जो है ट्रैवल करता है फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड देन लिक्विड थर्ड इज गैस फोर्थ है वाटर वेपर तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है सॉलिड्स ये सही है बिकॉज जो सॉलिड्स हैं उनका कॉफिशंट ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड एंड गैसेस से ज़्यादा है इसलिए जो साउंड है दैट ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक इज़ 256 इट विल नॉट रेजोनेट विद द फ्रीक्वेंसी विद द फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमें बताना है ठीक है ट्यूनिंग फॉक जो है उसकी फ्रिकुवेंसी टू फिफ्टी सिक्स है हमने एक क्लास में एक्सपेरिमेंट्स आप सबने किए ही होंगे ट्यूनिंग फॉक पर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी मैंशनड होती है देन हम स्ट्रिंग के ऊपर एक राइडर रख देते होते हैं राइट तो फिर उसको तो टैप करके जो है चेक करते होते हैं कि राइडर की फ्रिक्वेंसी क्या है तो जिस फ्रिक्वेंसी से जो है राइडर मैच कर जाता है राइडर फॉल हो जाता है तो देन वी गेट टू नो कि राइडर की फ्रिक्वेंसी है ये सब ने हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो ट्यूनिंग फॉक है ये कौन सी फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन है टू फिफ्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सेवन थर्टी एट सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सो ट्यूनिंग फॉक जो है वो उन्हीं फ्रिक्वेंसीज के साथ रेजोनेट करेगा जो टू फिफ्टी सिक्स का मल्टीपल है जैसे कि फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सेवन सिक्सटी एट देन वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर ठीक है तो टू फिफ्टी सिक्स का जो इंटेग्रल मल्टीपल है सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा यहाँ पर जो सेवन थर्टी एट है दैट इज़ नॉट एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ टू फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पर सेवन थर्टी एट जो है आंसर होगा ठीक है टू फिफ्टी सिक्स को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेल्स टू फिफ्टी सिक्स को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सेवन सिक्सटी एट फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर ठीक है तो इसी तरीके से जो इसके इंटेग्रल मल्टीपल हैं सिर्फ उन्हीं फॉक्स के साथ उन्हीं फ्रीकवेंसी के फॉक्स के साथ रेजोनेट करेगा अदरवाइज जो भी अलग फ्रिक्वेंसी होगी उसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा सो आई होप यू ऑल हैव गॉट द कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज ठीक है तो डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन द फेस वेलोसिटी सेकंड इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी थर्ड इज़ मोर देन फेज वेलोसिटी फोर्थ इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्पर्सिव मीडियम मोर देन द फेज तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा लेस देन फेज वेलोसिटी अगर हम डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें तो वहाँ पर भी फर्दर टू केसेस आ जाते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सो नॉर्मल डिस्पर्जन कब होती है जब ग्रुप वेलोसिटी जो है दैट इज़ लेस देन फेज वेलोसिटी और अब नॉर्मल डिस्पोर्जन या फिर अनॉमलेस डिस्पोर्जन हम किसको कहते हैं दैन ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी तो जब पर्टिकुलर केस जो है वो मैंशन नहीं किया हो कि नॉर्मल डिस्पर्जन है कि अब नॉर्मल डिस्पोर्जन है तब जो है आपको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन में क्या होगा ग्रुप वेलोसिटी जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन फेज़ विलासिटी अगर लेकिन फर्दर उन्होंने केसेस स्पेसिफाई किए तो फिर आप देख लेना क्या आंसर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ नॉन डिस्पर्सिव मीडिया है नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में क्या होता है ग्रुप विलासिटी इज ग्रेटर दैन फेज विलासिटी बी ऑप्शन है ग्रुप विलासिटी इज़ लेस देन फेज विलासिटी थर्ड इज़ ग्रुप विलासिटी इज इक्वल टू फेज वालासिटी फोर्थ इज नन ऑफ द बब तो यहाँ पर जब नॉन डिस्पर्सिव है मतलब कोई डिस्पर्जन ही नहीं है वहाँ पर तो इन दैट केस क्या होगा ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी क्या होंगे इक्वल तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सो नेक्स्ट आई वांट कि आप लोग जो वेव्स टॉपिक जितना भी जो मैंने चैनल पर जितनी थ्योरी करवाई हुई है उस सबको आप अच्छे से स्टडी करो एंड देन आई एम प्रोवाइडिंग यू एन असाइनमेंट उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कमेंट करो सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप सब ने सोल्व कर लिया है एंड जो उसके आंसर की है वो कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी एंड उसके साथ ही जो है वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट जो कि होगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट मैंने इसलिए पिक कर रही हूँ बिकॉज वो मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लेक्चरर सिलेबस तो जो कल से जो यूनिट शुरू होगी उसमें वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है मास्टर कैडर के लिए एज वेल एज लेक्चरर के लिए एंड साथ में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगी जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है जिनकी थ्योरी उसके सिर्फ हम मेन पॉइंट्स एंड जो फार्मूलाज है वही डिस्कस करके उसके बेसिस पर एम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स अभी पेंडिंग है तो उनको भी जो है मैं कंप्लीट करवा दूँगी ठीक है तो कल से जो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगी आप उसको भी साथ में जो है रिवाइज़ करना शुरू कर दो सो so, ये है आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन ठीक है तो इन सबको आप सॉल्व करना थ्योरी जो है वेव्स के उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तो इन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करना एंड आंसर जो है उनको कमेंट कर देना जरूर एंड कल टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लेना आप सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मै वीडियो एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग